मैं थोड़ा सा मिस्टेक कर रहा था बोलने में। मंदिर पहुंचने पहुंचने तक तो मैं बेहोश हो जाऊंगा। बिल्कुल ऐसा लग रहा है बादलों के बीच में बोलने भी नहीं देते। एंड यहाँ पे बहुत ज्यादा बहसबाजी हो रही है। हेलो एवरीवन, नमस्ते, इट इज़ द फेरी के ए के किरण, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है मंडे, अगला दिन, और सुबह से आज यहाँ पे बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश हुई है। सुबह के 5 बजे से यहाँ पे बारिश लगना शुरू हुई थी, बट अभी तक यहाँ पे मौसम बिल्कुल ऐसा ख़राब जैसा ही चल रहा है। एंड आज हम लोगों ने डिसाइड किया था कहीं जाने का, वहाँ पर हम जा रहे हैं, बट सुबह हमारा एक बारी प्लान कैंसिल हो गया था क्योंकि इतनी ज़्यादा तेज़ बारिश हो रही थी। बट अभी 8 बजने वाले हैं एंड थोड़ा सा मौसम ऐसा ठीक ठाक ढीला ढीला सा हो गया है, बट जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ आपको अभी धीरे धीरे पता चलेगा। हम मंदिर जा रहे हैं बट उस मंदिर की बहुत ज़्यादा मान्यता है, तो वो भी आपको धीरे धीरे इस ब्लॉग के थ्रू पता चल जाएगा कि हम कहाँ जा रहे हैं एंड कैसा मंदिर है, क्या वहाँ पर होने वाला है, वो आपको धीरे धीरे सारा डिटेल पता चल जाएगा। एंड अभी तो हम लोग यहाँ पे खड़े हैं, एक को बुला रहे, दूसरे को बुला रहे। तो आज हम लोग जा रहे हैं, मैं, मम्मी, मेरा भाई, मेरे पापा नहीं जा रहे हैं, बाकी हम लोग जितने भाई बहन हैं आसपास सारे के सारे जा रहे हैं। मेरी चाची जा रही है, तो आपको अभी हाथ रिश्ते में पता चल जाएगा हम कितने कितने जने जा रहे हैं। बट आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी, पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। एंड बढ़ते हैं आज के वीडियो की तरफ। बाकी मौसम हमारे साथ दे तो बहुत बढ़िया होगा क्योंकि मौसम आधे रस्तों में बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है, बट आई होप कि आगे जाके थोड़ा मौसम ऐसे खुल जाए तो ज़्यादा बढ़िया होगा। धूप की उम्मीद तो आज बिल्कुल नहीं कर सकते हम, बट आई होप फॉर द बेस्ट एंड लेट्स गो। सो फाइनली हम निकल चुके हैं, सारी गाड़ी एकदम फुल खचाखच भर रखी है हमारी, सारे के सारे निकल गए हम लोग। एंड मौसम भी आगे जाके खराब जैसा हो रखा है, बट आई होप कि आगे जाके थोड़ा मौसम ठीक हो जाए तो थोड़ा बढ़िया हो जाएगा, बट अभी के लिए तो बहुत मजा आ रहा है। ये पीछे वालों मजा आ रहा है, ये लक्की लक्की मजा आ रहा है। इन लोगों को पीछे जगह नहीं हो रही था इसलिए। तो फाइनली हम अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं और आज हम आए हैं माता बदाड़गढ़ी का मंदिर, और यहां से अभी हमको बहुत लंबा ट्रैक करके जाना है मंदिर के लिए। बट अभी हम हैं बीणातोई में, इसको बदाड़गढ़ी चौक भी बोला जाता है, बीणातोई बोलते हैं भाई। मैं थोड़ा सा मिस्टेक कर रहा था बोलने में, बट इसको बीणातोई बोलते हैं। एंड यहां पर अभी बदाड़गढ़ी चौक भी बोला जाता है इसको। तो यहां पर सारी की सारी गाड़ियां पार्क हो जाती है एंड यहां से पैदल रास्ता जाना पड़ता है ऊपर। मेरे पीछे यहां पर एक छोटा सा मंदिर भी है, छोटा सा मंदिर है एंड यहां पर मेन चौक है, यहां पर सारी दुकानें हैं, तो यहां से आप प्रसाद वगैरह ले सकते हैं। यहाँ पर आज मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब है तो आप देख सकते हो बिल्कुल भी धूप नहीं है। आसपास पूरा यहाँ पे ना आर्मी एरिया भी है एंड यहाँ ऊपर की साइड भी आर्मी एरिया दिख जाएगा आपको। एंड यहाँ पर बहुत सारे पेड़ वगैरह भी है। अभी मम्मी लोग यहाँ पर ले रहे हैं प्रसाद, यहाँ आपको पीछे की साइड दिख जाएंगे प्रसाद लेते हुए, प्रसाद ले रहे हैं सारे के सारे। प्रसाद लेने के बाद में हम लोग लगेंगे यहाँ से रास्ता, रास्ता यहाँ ऊपर है जाने के लिए, यहाँ से हम लोगों को रखना है रास्ता। कितनी 400-500 सीढ़ियाँ है ना यहाँ जाने के लिए, इतनी सीढ़ियाँ हैं। अभी हमको इतना ज़्यादा पता नहीं है, बट अभी जब जाते रहेंगे तभी पता चलेगा, बट बहुत ऊपर है, इतना बस इतना बताया हमें। तो अभी चलते हैं एंड एंजॉय करिएगा। ये नीचे से यहाँ से रास्ता आ रहा है एंड यहाँ से बिल्कुल खड़ी चढ़ाई है, सीढ़ियाँ हैं बहुत सारी, सब लग गए हैं रास्ता, आधे आगे हैं आधे पीछे हैं। चलते हैं, अभी देखते हैं कहाँ तक जा पाते हैं। हेलो जी, हाँ, जय माता दी, जय। सो हम थोड़ा सा ऊपर क्लाइम करके आ गए हैं एंड यहाँ सामने आपको दिखेगा आर्मी एरिया, ये यहाँ का पूरा आर्मी एरिया है। एंड मेरी सांसें फूल रही भयंकर क्योंकि हम बहुत नीचे से आ रहे हैं, नीचे रोड है, आज रास्ते तो तय हो चुका है बट यहाँ से ऊपर अभी और जाना है हम लोगों ने। इतने में हालत ख़राब हो गई, जिया थकान लग गई नहीं लगी? पहाड़ी बच्चों को थकान नहीं लगती, हम जैसे शहरियों को लग जाती है। रास्तों में ना जो पेड़ हैं यहाँ पे, इन पेड़ों में ऐसे करके घंटियाँ बनी हुई हैं, बांध रखी हैं ऐसे करके चुन्नी पे, और इसको बजाते बजाते जाते हैं लोग यहाँ पर से। अभी तो हम आ रहे हैं, सबकी हालत खस्ता है बट फिर भी हिम्मत नहीं आ रहा है, अभी भी बहुत ऊंचा है, एकदम बिल्कुल ऐसे खड़ी चढ़ाई है, बिल्कुल बहुत ज़्यादा ऊपर है, अभी तो दिख भी नहीं रहा है दूर दूर तक। चलते हैं, अभी बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो चुकी है, अभी भी यहाँ से बहुत ज़्यादा ऊपर है, मेरी तो सांस ऐसी यहाँ तक आ गई है। एंड हमने खाया पिया अभी कुछ नहीं है तो ज़्यादा हालत ख़राब हो रही, पसीने से पूरा शक्ल की बैंड बज गई है। मंदिर पहुंचने पहुंचने तक तो मैं बेहोश हो जाऊंगा,
इतनी ज़्यादा हालत ख़राब हो रही है, बट हम लोग पूरा मोटिवेटेड है मंदिर जाने के लिए, तो अभी लगे हैं रास्ता। एंड सीढ़ियाँ यहाँ पर ना, सीढ़ियाँ ऐसी हैं कि मतलब एकदम खड़ा रास्ता है, तो सीढ़ियाँ एकदम ऐसे स्टैक की तरह है, बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो रही है। बट चलते हैं, आज अगर ये बादल नहीं होता ना, यहाँ पीछे की साइड अगर बादल नहीं होते ना, बहुत ज़्यादा सुंदर व्यू आता, क्योंकि यहाँ से पूरा कुमाऊँ की साइड पूरा का पूरा दिखता है। कुमाऊँ के जितने गाँव हैं आधे से ज़्यादा, मतलब इतने भी नहीं बट हमारी एरिया से जितने दिखते हैं वो सारे यहाँ पे दिख जाते हैं, बहुत ही सुंदर नज़ारा आता है। बट अभी यहाँ बादलों की वजह से कुछ भी नहीं दिख रहा है, आई होप कि दिन तक यहाँ पे बादल साफ़ हो जाएं, तो उसके बाद में थोड़ा सा नज़ारा देखने को मिलेगा। अभी चलते हैं, हिम्मत नहीं हो रही है बोलने की, सीधा मंदिर जाके दिखाते हैं आपको व्यू। फाइनली हम थोड़ा सा पहुँच चुके हैं, ये यहाँ पर इसी के आसपास कहीं पे है मंदिर, और यहाँ पर ये घंटियाँ बांध रखी है। यहाँ पर मेरे को भी ढंग से नहीं पता है, बट मम्मी ने थोड़ा बहुत बताया कि लोगों ने यहाँ पे घर जैसा बनाया है, घर का मीन ऐसे पत्थरों का एक के ऊपर एक, तो जब यहाँ पर लोगों की मन्नत पूरी होगी उसके बाद आते हैं यहाँ लोग ये हटाने के लिए या इसके ऊपर एक और पत्थर चढ़ाने के लिए। मेरे को अभी अच्छे से पता नहीं है, बट ये बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा था तो मैंने सोचा आप लोगों को भी बताऊँ। फाइनली हम पहुंच चुके हैं, यहाँ पर इतना ज़्यादा सुंदर है, इतने हमको ट्रैकिंग करने के बाद में, इतनी चढ़ाई चढ़ने के बाद में ये नज़ारा देख के इतना ज़्यादा सुंदर लग रहा है ना, बिल्कुल ऐसा लग रहा है बादलों के बीच में है। और ये सारी जगह पे यहाँ पर घंटियाँ बांध रखी हैं, यहाँ पर बेसिकली जब मन्नत पूरी होती है लोगों की तो ये घंटियाँ बांधी जाती है, बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है। पूरी जगह आपको यहाँ पर ऐसे पेड़ दिख जाएंगे, एंड बहुत ही सुंदर आगे आगे तक घंटियाँ बांधी हुई हैं पूरी जगह पे। फाइनली कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया, बहुत ज़्यादा चढ़ाई थी भाई, ना पैसा लगता है ना खर्चा लगता है, माँ रानी का जयकारा लगाओ बड़ा अच्छा लगता है, वाह वाह। तो ये है मेन मंदिर, आई थिंक यही है, बहुत ज़्यादा सुंदर है। जय हो, पूरी जगह यहाँ पर घंटियाँ बंधी हुई हैं, सब जगह। तो हम मंदिर में पहुँच चुके हैं, बट अभी हम नीचे जा रहे हैं पानी लेने के लिए, क्योंकि यहाँ थोड़ा सा जंगलों से जो मेन मंदिर है वहाँ से थोड़ा नीचे जाना पड़ता है पानी लेने के लिए, एंड हाथ मुंह वगैरह वहीं जाकर धोएंगे, ठंडा पानी है वहाँ पर। अभी मैंने भी देखा नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ। तो अभी यहाँ से हम नीचे जा रहे हैं, नीचे जाके पानी पीते हैं, थोड़ा सा पानी से हाथ मुंह भी धोएंगे। हम यहाँ पानी की तलाश में इतनी नीचे तो आ गए हैं, बट हमको पानी नहीं मिल रहा है। क्या है ये? ये है पानी? नो नो, ये एकदम स्वादिष्ट पानी। क्या? ओह, गंदा नहीं है पर फिर भी ना, पूरा घना जंगल है ये, देख सकते हो आप, पूरा घना जंगल है। यहाँ से हम लोग आए, एंड यहाँ से आगे जाने के लिए भी रास्ता है, बट अभी कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। देखो तुम लोग पी रहे हो, तुम्हारे ऊपर है, नहीं तुम लोग पी रहे हो। कैसा है पानी, दिखाइयो इधर, ये येलो कलर का पानी मिल रहा है इसके अंदर, पर ये लोग डाउट कर रहे हैं पिए ना पिए। लकी कहाँ है बताइए, पानी वाला पीने वाला है कि नहीं है? अरे तुझे तो पानी प्यास लग रही है, तू पी रहा है। अरे प्योर पानी है यार, पीने वाला हो। वैसे अगर पीने वाला नहीं होता तो लोग लोटे क्यों रखते हैं यहाँ पर, है नी? चुप रहे, बोलने भी नहीं देते। मैंने मच्छर फेंका ताल में। यहाँ पर हम लोग पानी के लिए आए हैं, और यहाँ पर अंदर ऐसा कुछ बना रखा है इन्होंने पानी के लिए, और यहाँ पर लोटे भी रखे हुए हैं बहुत सारे पानी पीने के लिए, बट ये पानी बिल्कुल भी साफ नहीं है, इसमें बहुत कुछ मर रखा है। एक तो यहाँ पर बहुत बारिश हुई है कल से, इस वजह से थोड़ा पानी गंदा भी हो गया है, और हमको कुछ पता ही नहीं चल रहा है कि यहाँ पर मतलब और पानी और जगह पानी भी है कि यही पानी है। तो अभी तो हम बॉटल में भर के यही लेके जा रहे हैं पानी पीने के लिए, हाथ मुँह भी इसी से धो रहे हैं, बट हंसी आ रही है हमें तो, पिया भी नहीं जा रहे, प्यास इतनी ज्यादा लग रही है, बट यहाँ पर पानी पीने का मन ही नहीं कर रहा है, बट ठंडा बहुत ज्यादा है पानी। और ये पूरा जंगल वाला एरिया है, पूरा का पूरा जंगल दिखेगा आपको आसपास, और कुछ भी नहीं है। हम अभी पानी पी के जा रहे हैं ऊपर, बिल्कुल ऐसा जंगलों के बीच से ही था ये रास्ता, तो यहाँ से अब हम जा रहे हैं ऊपर, वहाँ जाके हम लगाएंगे भेंट। और यहाँ जंगलों में कहीं पे भी नेटवर्क नहीं है, बिल्कुल ई पे जा रखा है नेटवर्क, ना कॉल कर सकते हैं, नो इंटरनेट, नथिंग, बस माता के दर्शन होने चाहिए, वही है यहाँ पे। तो अभी चलते हैं यहाँ से ऊपर, लेट्स गो। ए कंचन, ओ कंचन, चलो चलो। यहाँ पे बहुत फिसलन हो रही है, सारे पत्थर आप देखोगे ना, सारे के सारे जो फिसलन से यानी कि बारिश वगैरह से पूरे गीले होके एकदम हरे हो रखे हैं, तो बहुत ज्यादा यहाँ पे डेंजरस रास्ता है, और एकदम खड़ी ही चढ़ाई है। बट कैमरा मैन नेवर डाई, ये बात तो सही बोली।
कैमरामैन कभी नहीं मरते। चलो चलते हैं, एंड कैमरे के पीछे लक्की सिंह है, हाय बोल दे लक्की। बाय। चलो अभी ऊपर चलते हैं, मंदिर में जाके आपको पूरा व्यू दिखाएंगे, लेट्स गो, बाय बाय। सो ये है बदानगढ़ी का मंदिर, यह है मेन मंदिर, और अभी हम लोगों ने यहाँ पे सब जगह भेंट चढ़ा के पूजा वगैरह करके लास्ट यहाँ पे मंदिर है भैरव देवता का, यहाँ पर पेड़ के नीचे, तो यहाँ पर हम आए हैं भेंट लेके और यहाँ पर हम लोगों ने पूजा कर ली है। एंड यहाँ से नीचे जाते हैं, मेन मंदिर आता है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। पहले यहाँ से नीचे चलते हैं, सब अपनी अपनी भेंट, अपनी अपनी पूजा लेके जा रहे हैं, ये लोग अपनी अपनी मन्नतें मांग रहे हैं, बच्चे। चलते हैं हम लोग। ये नीचे यहाँ पर आपको ये चार मंदिर मिलेंगे छोटे छोटे, यहाँ पर भी आप अपने जो भी मन्नत होती है वो मांगो एंड यहाँ पर आप भेंट लगाओ। तो यहाँ पर वो चार मंदिर हैं लाइन से, एंड यहाँ पर बहुत बड़ा ये पेड़ है, देन यहाँ पर आता है द मेन मंदिर और ये पूरा एरिया है यहाँ पर। तो ये है माता बदानगढ़ी का मेन मंदिर, यहाँ पर पाठ पूजा होती है। मेन आपको माता का मंदिर मिल जाएगा, बट यहाँ अंदर फ़ोन अलाउड नहीं है, मैं बाहर से ही आपको ब्लॉक करके दिखा रहा हूँ। बाकी यहाँ पे जो पूजा लेके आए हैं अपनी मनोकामना पूरी करने के बाद में, यहाँ पे जो पूजा भेंट वगैरह लेके आए हैं उनकी पूजा यहाँ पे चल रही है। बाहर पे आप पूरी जगह घंटियाँ बंधी भी देख सकते हो, ये भी मनोकामना की घंटियाँ हैं। एंड आगे सामने भी है माता का मंदिर, ये आपको दिखा दूँ मैं थोड़े से दर्शन। ये है माता का मंदिर आगे, एंड यहाँ पर दोनों साइड पूजा चल रही है। ये है मेन मंदिर, कुछ ऐसा दिखता है, एंड यहाँ आपको पूरा का पूरा एरिया दिख जाएगा, बहुत खुली खुली जगह है। एंड यहाँ पर आपको ये फील्ड जैसा भी मिल जाएगा, जहाँ पर ऐसे पूरा ऐसे घास ही घास हो रखी है, मतलब बहुत ऊपर है। हम लोग को तो आज चढ़ते चढ़ते आफत आ गई, यहाँ थे हम लोग अभी तक, यहाँ से अभी हमने ऊपर भी जाना है, बट अभी मैं आपको पहले यहाँ का नज़ारा दिखा दूँ। यहाँ आपको पूरा बैठने का एरिया मिलेगा, एंड उस एरिया पे होता है खाना वगैरह, मतलब जैसे कोई पूजा लेके आते हैं तो खाना वगैरह बनता है उनका, तो वो वहाँ पर होता है। बाकी ये है पूरा मंदिर का एरिया, एंड ये थोड़ा सा रहने वहने का है, बाकी ये आपका मेन मंदिर है। तो हमारे दर्शन तो हो चुके हैं, एंड यहाँ पर बारिश लगनी शुरू हो गई है, तो यहाँ पर ऐसे बैठने के लिए कुछ बना रखा है, तो वहाँ पर हम लोग बैठ रखे हैं। एंड यहाँ पर सारे के सारे फैमिली वाले, हम जितने भाई बहन थे सारे के सारे भेंट लगा के सब लोग यहाँ पर बैठ रखे हैं। अभी थोड़े दिन इंतजार कर रहे हैं हम लोग कि बारिश थोड़ा थमेगी, उसके बाद हम ऊपर गढ़ी की साइड जाएंगे। यहाँ पर गढ़ी है, वहाँ पर जाते हैं लोग ऐसे ही नज़ारा देखने के लिए, बट आज बारिश में कोई नज़ारा नहीं दिख रहा, बट फिर भी हम लोग जाएंगे थोड़ी देर में। अभी इंतजार कर रहे हैं थोड़ा सा बारिश कम होने का, हल्की फुल्की बारिश हो रही है, इंजॉय। अभी यहाँ पर मंदिर में एक टोली आई है, तो ये आंटियाँ यहाँ पर अच्छा कीर्तन भजन कर रही हैं मंदिर के अंदर। ये आई थिंक कुमाऊं साइड की हैं। सो हम अभी जा रहे हैं गढ़ी की तरफ, थोड़ा बारिश कम हुई थी, हम जा रहे हैं यहाँ पे। यहाँ पर ऊंचा एरिया है गढ़ी का, मतलब ऐसे टॉप एरिया है, वहाँ से पूरा पीछे की साइड कुमाऊं दिखता है। तो हम यहाँ पर आ गए, बट आज यहाँ पर मौसम की वजह से अच्छा नहीं हो रखा, मौसम ख़राब है यहाँ पर, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं दिख रहा है। अगर अभी यहाँ पर थोड़ा सा बादल साफ़ हुए होते तो बहुत ज़्यादा सुंदर लगता। इधर साइड पूरा कुमाऊं का गांव दिखता है, थोड़े थोड़े कुमाऊं के गांव दिखते हैं, बट अभी यहाँ पर कुछ भी नहीं दिख रहा है। मम्मी क्या बांट रहे हो? हम बांट रहे बच्चों के लिए पार्ले जी। जी माने जीनियस। ये बच्चे यहाँ पर गाड़ी के ऊपर आए हैं, बोल रहे हैं अब क्या करें, यहाँ तो इतनी चढ़ाई है, बड़ी मुश्किल से तो माता के दरबार में पहुँचे बच्चों के लिए पार। मम्मी का गला लग गया। ये बेटा बच्चों के लिए पार्ले जी ला रखे, मैंने कहा पार्ले जी खा लेंगे उसके बाद नीचे जाते हैं। बारिश आना शुरू हो गई है, एंड अब हम लोग यहाँ से नीचे निकलने की तैयारी में हैं, क्योंकि यहाँ पे बारिश हो रही है, एंड यहाँ पर खाने के लिए भी कुछ नहीं है। हमने बस एक दो पार्ले जी के बिस्किट खाए एंड थोड़ा सा नमकीन वगैरह खाया। अब यहाँ से हमको नीचे निकल जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर फिर बारिश शुरू होगी, तो उसके बाद थमने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, एंड हम लोगों ने टाइम से घर भी निकलना है, और भूख भी बहुत ज़्यादा लग रही है। इन लोगों का अपना ही चल रहा है, वो देखो ये कितना रंग बिरंगा छाता लेके आ रखा है वो। बस वो एक इंसान है जो छाता लेके आ रखा है, बाकी हम सारे बिना छाता के हैं, सारे के सारे आप देख सकते हो खड़े हो रखे हैं यहाँ पर, किसी के पास में भी छाता नहीं है। चलो यहाँ से चलते हैं अभी नीचे, बारिश ज्यादा तेज हो रही है, लेट्स गो। प्रोफेशनल ब्लॉगर फोटोग्राफर। अभी यहाँ पर थोड़ा भीड़ ज्यादा हो गई है, क्योंकि मंदिर में अभी भेंट का एंड पूजा का टाइम हो चुका है, तो वहाँ पर अभी भीड़ ज़्यादा हो गई है, एंड मौसम भी धीरे धीरे ख़राब होने लगा है। हम तो चल दिए हैं नीचे को, बट अभी भी यहाँ पर जो लोग हैं वो भेंट वगैरह के लिए एंड मंदिर के दर्शन करने के लिए अभी भी यहाँ पर पहुँच ही रहे।
बहुत ज्यादा सुंदर लग रहा है, बट अभी बारिश हो गई है एंड यहाँ पर धुंध लगनी यानी कि फॉग वगैरह लगना शुरू हो गया है। तुझे क्या लग रहा है इतने घंटे बजा के तेरी मनोकामना पूरी हो जाएगी? अरे खंभा क्यों निकाल रहा है तू? जय माता दी। हाँ दोबारा बोल। कृपया करके सभी भक्तजन झुंड बनाकर चलिए। जरूर हे भगवान। चलो वैष्णो देवी। अभी यहाँ से नीचे जाते समय पूरा ऐसा धुंध लगना शुरू हो गया है, बारिश बहुत ज्यादा तेज हो रही है एंड अभी हमने बहुत नीचे उतरना है अभी एंड यहाँ से थोड़ा ऐसे अप डाउन में जाना है। तो बोलो भारत माता की जय। कैसे नारे लगा रहे हैं? जय। चलो भारत माता की। अबे डीजे होना चाहिए था हमारे पास। जिंदाबाद। छब्बीस जनवरी। यहाँ से आपको दिख रहा होगा पूरी जगह ऐसे धुंध लगना शुरू हो गया है और यहाँ पे पेड़ वगैरह भी नहीं दिख रहे। नीचे एकदम रास्ता है जो वो पूरा फिसलन भरा हो चुका है। ये रही हमारी पूरी गैंग। जाते समय तो ये सब आगे पीछे हो गए थे बट अभी ये सारे के सारे नीचे जा रहे हैं एक साथ। अभी दिख रहा होगा आपको हम कितने जने आ रखे थे बट सुबह के टाइम पे तो ये सारे के सारे गायब हो गए थे। सो लक्की आप कौन से टाइम कितने मतलब कितने बारी आ चुके हैं बदाड़गढ़ी? बहुत बार आ गया। छह सात बारी आ गया तू? मेरे को तो तूने तीन बोला। मैंने पांच भी बोला था। तो लक्की का तो ये तीसरा चौथा टाइम है बट हम लोगों का पांचवा। हम लोगों का ये है पहला टाइम। हम फर्स्ट टाइम आ रहे हैं और फर्स्ट टाइम ही आज बहुत मजा आया। मतलब मजा क्या, आज मतलब माता के दर्शन हो गए, बहुत ही ज्यादा सुंदर लगा। ये वाला मंदिर हमने कब से नहीं देखा था तो ये वाला मंदिर देखने की ख्वाहिश भी हमारी पूरी हो गई। एंड बट यहाँ पे बहुत ज्यादा ट्रैकिंग है, मतलब इतनी ज्यादा कि मैं आपको क्या बोलूँ। बट अगर आप फिट एंड फाइन हैं एंड अगर आपके अंदर हिम्मत है कि आप आ सकते हैं तो आप जरूर आइएगा, बहुत ही अच्छा लगेगा। आपको अपनी मन्नत पूरी करनी है, आप अपनी मन्नत पूरी करिएगा एंड उसके बाद अगर मन्नत आपकी पूरी होती है उसके बाद आप अपनी जो भेंट होती है अपनी मर्जी से आप जितना भेंट जो भी भेंट आपको चढ़ानी हो वो यहाँ पर आके चढ़ा सकते हैं जब आपकी मन्नत पूरी हो। तब अगर आपकी मन्नत 3 साल में पूरी हो, 4 साल में पूरी हो, जैसी आपकी मर्जी है आके अपना भेंट चढ़ा सकते हैं। नहीं सही बोला मैंने? ठीक है। और अभी एकदम बारिश ज्यादा हो गई है तो यहाँ पर रास्ता दिखना भी बंद हो गया है बादल की वजह से और सीढ़ियाँ इतनी ऊंची ऊंची सीढ़ियाँ हैं, बहुत ज्यादा फिसलन हो रही है। बिल्कुल ऐसे कदम फूक फूक के रखने पड़ेंगे हमको संभाल के। मैं आपको आगे का नजारा दिखाता हूँ कि यहाँ पर कितना डेडली हो रखा है सीन। आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरा धुंध दिख रही है। कैमरा तो जस्टिस नहीं कर रहा है बट स्टिल यहाँ पर बहुत ही ज्यादा धुंध हो रही है। इतना तो कैमरे में नहीं कैप्चर हो रहा है बट फिर भी यहाँ पर आप सीढ़ियाँ देखोगे तो बिल्कुल यहाँ पर फिसलन वाली सीढ़ियाँ हैं तो बहुत ज्यादा संभल के जाना पड़ेगा हमको नीचे। एंड अभी तो हम बहुत ऊपर हैं, अभी यहाँ से नीचे आई थिंक 1.5 किलोमीटर होगा ना लक्की? हाँ इतना तो होगा ही। यहाँ से बहुत नीचे जाना है हमने और धीरे धीरे, हाँ ज्यादा भी हो सकता है एंड इससे कोहरा जो है वो धीरे धीरे ज्यादा बढ़ रहा है। तो अब हम सीधा नीचे जाते हैं एंड नीचे जाके ही मिलेंगे आपको। सो हम उतर चुके हैं रोड से नीचे और थोड़ा सा हम लोगों ने ऐसी छोटा मोटा ऐसे जूस वगैरह पिया एंड अब हम यहाँ आगे जा रहे हैं मंदिर के लिए। हम लोग एक मंदिर के चक्कर से यहाँ पर आगे आए थे देखने के लिए क्योंकि वो हमको ऊपर से दिख रहा था, रेड कलर का मंदिर दिख रहा था तो हमने सोचा यहीं कहीं आसपास होगा। बट हम यहाँ पर आ गए, हमको पता ही नहीं चल रहा कि कहाँ पर है वो मंदिर और हम लोग पूरा भीग चुके हैं, मेरे बाल पूरे भीग गए हैं एंड यहाँ पे बहुत ज्यादा बहसबाजी हो रही है कि कहाँ पर है वो मंदिर, समझ ही नहीं आ रहा है। एकदम ऐसे पेड़ों के बीच में आ गए हम लोग, दोबारा से रोड में जाना पड़ेगा मुझे लग रहा। वापस चले चले वापस चलो फिर, यहाँ है नहीं वो मंदिर, यहाँ से हमें वापस जाना पड़ेगा। लेट्स गो। कैसा लगा तुझे मंदिर? बढ़िया। ये बेचारी भी पहली बार आई थी तो इसको मैं कल नानी के यहाँ से लेके आया। मैंने कहा चल तू मेरे साथ में, मैं तेरे को मंदिर घुमा के आऊँगा। तो मम्मी और हम लोगों के साथ में ये भी आ गई दर्शन करने के लिए। इसको कितनी बड़ी जैकेट पहना रखी हमने, आसमान की जैकेट थी ये मेरी बहन की, तो इसको ठंडा हो रहा था, पतला सा टॉप पहन के आई थी इसलिए हमने इसको जैकेट पहना दी यहाँ पर क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंडा है एंड इसको कल नानी के घर वापस भी जाना है तो ठंडे से बचाने के लिए। जुगाड़ जुगाड़ कैसे लगी थी पूरी होती मीठी की खट्टी? यहाँ पर जो कैंट एरिया है यानी कि एसएसबी वाला एरिया है वहाँ से ऊपर एक मंदिर है चंडिका देवी का मंदिर। हम लोग यहाँ पे
फटाफट दौड़ लगा के आए सीढ़ियों में से। बट यहाँ एक्चुअली सीन क्या आई कि यहाँ पे मंदिर बंद हो रखा है, ताला लग रखा है ऊपर, तो मैं और विनीता हम दोनों के दोनों फटाफट भागते हुए आ गए ऊपर। हम मतलब देख के आते हैं, अगर खुला होगा तब आएंगे बाकी लोग, अगर बंद होगा तो फिर उसके बाद में हम भी चले जाएंगे। एंड यहाँ पे बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है, मैं पूरा का पूरा भीग चुका हूँ। एंड जो मंदिर है वो भी बंद है, तो हम लोग तो ऊपर जा नहीं रहे। विनीता जा रही है ऊपर, वो थोड़ा से हाथ जोड़ रही है वगैरह, अपना माथा वगैरह टेक रही है, उसके बाद नीचे आ जाएंगे। बारिश लग रही है तो हम सोच रहे हैं अब चल जाते हैं। एंड हमको भूख भी बहुत ज़्यादा लग गई है, सुबह से हमने खाया नमकीन खाई, दो भर लीजिए के बिस्किट खाए, और नीचे आके अभी हम लोगों ने ना फ्रूटी वगैरह यही सब पी है। एंड अभी हम नीचे देख रहे हैं कोई बढ़िया से एरिया मिल जाएगा खाने का, तो वहाँ पर जाके सब इकट्ठे खाएंगे, क्योंकि ऐसे अलग अलग खा के फिर ना अभी वॉमिटिंग कर देंगे आधे से ज़्यादा तो चलते हुए। तो इस वजह से ये सब चीज़ का ध्यान रखने के लिए हम लोग सोच रहे हैं कि एक ही जगह पर जाते हैं, वहीं पर इकट्ठे होकर कोई बड़ा सा एरिया होगा जो मार्केट का एरिया होगा, वहाँ पर जाके खाएंगे पियेंगे, उसके बाद सीधे घर चल जाएंगे। पहुंच चुके हैं अपने मार्केट में, और यहाँ पे भी जोरों शोरों की बारिश हो रही है, बट अभी थोड़ा कम हो रखा है यहाँ पे मौसम, तो हम लोगों ने फटाफट खाया पिया। एंड अब हम इंतज़ार कर रहे हैं अपनी गाड़ी का आएगी, उसके बाद बैठते हैं एंड चलते हैं।